हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, यहाँ पर हम आपके लिए बताया था नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मिलेंगे यहाँ पर अगले जो है एक्सरसाइज के साथ। तो यहाँ पर बन चुके हैं हम यहाँ पर वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 लेकर के, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो त्रिभुज का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, इस जो एक्सरसाइज में बात करने वाले हैं, कुछ कसौटियों के बारे में बात करेंगे, कुछ क्राइटेरियन के बारे में बात करेंगे जो त्रिभुज की जो है क्राइटेरियन होती हैं, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर आपके लिए बता दें कि खंड बात शुरू करेंगे इसमें, और ये जो बुक चल रही है इसमें वो विद्या की चल रही है, और कहीं ना कहीं इसमें प्रश्न कराए जा रहे हैं, वर्णात्मक प्रश्न हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं। खंड बा के वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न हम आपके लिए करा रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहला जो है उसको हमें आपको समझाना है। देखिए, तो पहला प्रश्न को ले लेते हैं यहां पर। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि समरूपता की, ध्यान से सुनना, समरूपता की यानी कॉन्ग्रेंसी की, समरूपता की ए ए कसौटी का प्रतिपादन कीजिए, यानी बताइए कि किस तरीके से आप ए ए कसौटी को लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, है ना। तो अगर हमें ए ए कसौटी अगर दिखानी है, तो हमें इस बात को अगर प्रूफ करना है, यानी ए का मतलब कोण, और यहां भी कोण, और यहां भी कोण, यानी तीनों कोण दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग कोण बराबर होने चाहिए, इस बात की हमें कसौटी यानी क्राइटेरियन को लगाना है। तो इस क्राइटेरियन को लगाने के लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुजों को बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा एबीसी हो जाएगा, और एक त्रिभुज हो जाएगा हमारा पीक्यूआर। ध्यान से सुनना, एक त्रिभुज हो जाएगा हमारा पीक्यूआर, और बिल्कुल ये सिमिलर भी है, कॉन्ग्रेंस तो पहले हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर यह बन चुका है, और इस हिसाब से मैंने दिखाया, यहां पर अगर मैं इसको थीटा वन मानूं, और यहां पर भी मैं थीटा वन ही मानूंगा क्योंकि सेम है, इसको थीटा टू मानूंगा तो इसको भी थीटा टू मानूंगा, ये कोण है, ये भी कोण जो है वो थीटा थ्री मानूंगा, यहां थीटा थ्री है, ठीक है, एक जैसे मान ले रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूंगा, कोई और भी मान सकता हूं मैं एंगलों को, लेकिन ऐसे मानूंगा, आप समझेंगे आप यहां पर कि कोण कोण कैसे बराबर होंगे। तो मैं अगर इसका एंगल जो ए है, ए कोण है, वो त्रिभुज के दूसरे वाले के लिए पी के बराबर है, यानी ए कोण जो इसका है वो पी के बराबर है, ए कोण जो है वो इसके पी के बराबर है, और इसका जो सी कोण है वो इसके किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, ध्यान से सुनना, क्यू के बराबर है, और इसका जो बी एंगल है, बी कोण है, वो आर के बराबर है, ठीक है ना, आर के बराबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तीनों कोण बराबर हैं, इस हिसाब से यहां पर जो है ए ए क्राइटेरियन आपके लिए लग जाएगी, यानी ए ए ए क्राइटेरियन कहते हैं, या आप लिख सकते हैं हिंदी में कसौटी, ठीक है, कसौटी। तो इस कसौटी पर ये खरा उतर रहा है कि ए ए यानी कोण 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 यहां पर जो है क्राइटेरियन लग रही है। तो इस हिसाब से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा सकते हैं, यानी त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रेंस होगा त्रिभुज पीक्यूआर के, ठीक है ना। तो यहां पर ये त्रिभुज जो है कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर हम प्रश्न वन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कसौटी का प्रतिपादन हम कर सकते हैं। अगली जो है समरूपता वो ट्रिपल एस है, यानी यहां पर एस एस दूसरी है, देखिए दूसरी है, लिखेंगे समरूपता एस 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 कसौटी का प्रतिपादन कीजिए, कसौटी का प्रतिपादन यानी डिस्क्राइब कीजिए, बताइए कि किस तरीके से आप ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी को प्रूफ करेंगे। तो ट्रिपल एस यहां पर एस एस लिख देते हैं, और इनका मतलब क्या होता है, यहां पर साइड यानी भुजा, फिर अगला भुजा, फिर अगला भुजा, यानी तीनों की जो है भुजाएं बराबर होंगी, ऐसे त्रिभुज होंगे जिनकी भुजाएं बराबर होंगी। अच्छा, कैसे भुजाएं बराबर हो सकती हैं, जैसा मैंने एक त्रिभुज बनाया एबीसी,
इसमें जो ए बी भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, ए सी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही एक हमने त्रिभुज पी क्यू आर बना दिया, पी क्यू आर बना दिया। इसमें जो भुजा पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो क्यू आर है वो 4 सेंटीमीटर है, और पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। देखिए एक जैसे हैं और एक जैसी साइड है, एक जैसी दूरी है। तो इस हिसाब से अगर हम कहें यहाँ पर एक जैसी दूरी है, एक जैसी साइड है, तो आप लिखोगे यहाँ पर दोनों त्रिभुजों से, यानी त्रिभुज ए बी सी और क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, यहां की जो भुजा ए सी है वो यहां की पी आर है, बराबर है, और जो भुजा यहां की बी सी है वो बराबर है आर क्यू के। इसी तरह के से यहां पर ये जो ए बी भुजा है वो बराबर है यहां पर इसके पी क्यू के। तो हम कह सकते हैं तीनों साइड्स इक्वल है, करस्पोंडिंग उनके त्रिभुजों के, इनके त्रिभुजों के आधार पर त्रिभुज एक जैसे है, कॉन्ग्रुएंस है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा, यानी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं ये सर्वांगसम है। कैसे है, सर्वांगसम है, तो सर्वांगसमता इसी को कहते हैं। इस तरीके से हम इनको समरूपता की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहां पर हो गया। अगला हमारा है तीसरा, तीसरा भी हम आपके लिए यहां पर बता देते हैं। तीसरा है, तीसरा हमारे यहां पर है एस ए एस कसौटी, एस ए एस कसौटी का प्रतिपादन करो, कसौटी का प्रतिपादन, एस ए एस कसौटी का प्रतिपादन, यानी एस एस, एस ए एस का मतलब क्या हुआ, यहां पर एस ए एस का मतलब हुआ भुजा, कोण और भुजा, ठीक है। भुजा कोण भुजा हुआ, यानी कहीं ना कहीं एस ए एस प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, दो भुजाएं कहीं समान होंगी और एक एंगल बराबर होगा। तो मैंने यहां पर एक एक ऐसा त्रिभुज बना दिया है, देखो ये, और ये कौन सा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है दोनों। कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, एक है एबीसी और एक है पी क्यू आर, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी इसकी जो भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, दोनों की भुजा समान है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये वाली जो साइड है वो अलग है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये इसकी 6 सेंटीमीटर है। हो सकता है भाई अलग हो तीसरी भुजा, और कोण तो बराबर ही होंगे, कोण बराबर होंगे यहां पर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंस होगा किसके आधार पर, कॉन्ग्रुएंस होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगल एंगल बराबर होंगे, यहाँ का एंगल बी यहाँ के एंगल क्यू के बराबर है, और साइडें जो हैं भी यहाँ का ए बी, यहाँ का जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, और इस हिसाब से ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए सी जो है वो यहाँ पर पी आर के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड जो है वो क्राइटेरियन पूरी हो गई है। इस तरीके से यहां पर इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो यहां पर अब आपके लिए चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम चौथा प्रश्न भी आपके लिए बताएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एक्सरसाइज आपके लिए, तो इसी तरीके से ध्यान से पढ़ते रहिए। हेलो स्टूडेंट, देखिए यहां पर हम आपके लिए बताने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 जो कि हमारी चल रही है, उसमें हम चौथा प्रश्न आपके लिए बताने वाले हैं। तो चौथा प्रश्न यहां पर शुरू करते हैं, और ये चौथा प्रश्न क्या है, यहां पर देखिए लिखा है चित्र 6.41 में क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के। इस तरीके से चित्र बनाया, मैं लिख दूं जरा, चित्र इस तरीके से बना हुआ है, यहां पर ये टी है, ये क्यू है, ये आर बिंदु है, और यहां से एक लाइन खींची हुई है इस तरीके से ऐसे, और फिर यहां से एक लाइन खींची हुई है इस तरीके से ऐसे। तो ये एस पॉइंट है, यहां पर एंगल टू है, और यहां पर एंगल वन है, ठीक है ना, वन है, और यहां P है। तो इस तरीके से यहां पर बना हुआ है हमारे पास, और यहां पर ये बोला गया है, दिया है उन्होंने, ये बताया है
क्या बताया, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा है कि क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी और बटे में पी आर, ठीक है, बराबर में और तथा एंगल वन बराबर एंगल टू है, यानी ये दो एंगल बराबर है, यहां का एंगल और यहां का एंगल बराबर है। तो कह रहे हैं कि आप दिखाइए कि त्रिभुज पी ओ एस सिमिलर होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि त्रिभुज पी ओ एस जो होगा वो त्रिभुज टी क्यू आर के जो है कैसा होगा, समरूप होगा, ये बात तो हमें प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे, देखिए हम यहां पर अगर बात करें पी और यहां पर ओ एस, पी ओ एस है यहां पर, तो पी ओ एस नहीं है, क्यू है यहां पर, ये क्यू है, ठीक है ना, ये क्यू है, पी क्यू एस है, पी क्यू एस है, तो यानी पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल, ये एंगल पी क्यू एस में जो है वो एंगल वन है। ऐसा ही अगर मैं लिखूं दूसरा त्रिभुज है टी क्यू आर, देखो टी क्यू आर, टी क्यू आर में एंगल टू बराबर है, यानी त्रिभुज एंगल जो है त्रिभुज में टी क्यू आर में जो बराबर है एंगल टू है, एंगल टू है, और जो कि हमें दे रखे हैं दोनों त्रिभुज बराबर है यानी एंगल बराबर है, यानी एंगल एन एम एक बराबर एंगल दो, एंगल वन जब एक दो के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे फिगर होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे, तो यहां पर हम क्राइटेरियन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी क्राइटेरियन अगर लगाने से पहले अगर हम सिमिलर दिखाते हैं तो हमें यहां पर बात करनी होगी सर्वांगसम की, लेकिन हम सर्वांगसम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिमिलर की बात कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ का करस्पॉन्डिंग वन एंगल यहाँ के टू करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है ना, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पी क्यू एस में, देखो हमारे पास पी क्यू एस लिखा हुआ है ना, इसकी भुजा ए वाली यानी पी क्यू बराबर इसका जो अनुपात मान सकते हैं या बराबर मान सकते हैं वो किसके बराबर हो सकती है, या इसका अनुपात जो है पी क्यू का, पी क्यू का अनुपात किसके बराबर हो सकता है, ध्यान से सुनना, यहां का पी क्यू और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है ना, टी क्यू आर यानी क्यू टी, ये बराबर हो सकते हैं, है ना, ये बराबर हो सकते हैं, यानी इनका अनुपात एक जैसा होगा। तो अगर अनुपात के आधार पर हम देखें कि एंगल वन टू के बराबर है, इसलिए हम दोनों त्रिभुजों को समरूप बता सकते हैं, यानी त्रिभुज पी क्यू एस जो होगा वो समरूप होगा टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। रीजन ये है कि एंगल बराबर है, करस्पॉन्डिंग संगत कोण बराबर है, और जब संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आपके लिए संगत कोण अगर बराबर हैं तो यहाँ पर जो है ये समरूप होंगे, यानी समरूप त्रिभुज होंगे। इस बात को हमने यहाँ पर बता दिया कि ये समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है, समरूप त्रिभुज होंगे, बात समझ गए यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया आपके लिए समरूप त्रिभुज होंगे, और यहाँ पर इस बात को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, एंगल वन बराबर टू। तो इस तरीके से हमारा यह प्रश्न हो जाएगा, एनसीईआरटी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अब बात करते हैं हम पांचवें प्रश्न की, देखिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, चित्र 6.42 में यदि ए बी ई, देखिए लिखा है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंस है एसीडी के, किसके, एसीडी के। अगर एसीडी के ये सर्वांगसम है, यानी इस तरीके से सर्वांगसम इसको कहेंगे, ये सर्वांगसम होगा, तो क्या बोल रहे हैं कि एडीई सिमिलर होगा एबीसी के, ये बोल रहे हैं अगर ये सर्वांगसम है तो, ठीक है ना। तो हालांकि मैं चित्र बना लेता हूं, चित्र यहां पर ऐसा बना हुआ है इस तरीके से, यहां रखा है ए, यहां रखा है बी, यहां सी, और ये डी ई पैरेलल लाइन है, और यहां से एक लाइन खींची हुई है और एक लाइन यहां से खींची हुई है, ठीक है, ऐसा सवाल ऐसा बना हुआ है। यानी मैं लिखूंगा ए बी ई, ध्यान से सुनना, ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी के। अगर ए सी डी के कॉन्ग्रुएंस है यानी सर्वांगसम है ए बी ई, ये वाला ए बी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी ई वो ए सी डी के, ए सी और डी, ये वाला इसके सर्वांगसम है। अगर यह सर्वांगसम है तो जाहिर सी बात है यहां पर हम यह मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं साइडें, इनकी करस्पॉन्डिंग साइडें बराबर होंगी, यहां का करस्पॉन्डिंग साइडें बराबर होंगी क्योंकि सर्वांगसम है,
एसीडी, ठीक है। तो यहां पर आप मान के चलो ए बी कौन सा है, देखो ए बी ई, तो इसकी जो बीई भुजा है, इसकी जो बी ई भुजा है वो किसके बराबर होगी, वो ध्यान से सुनिए, ए सी डी, यानी इसकी भुजा सी डी के बराबर है, बी ई जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है ना, जो बी ई भुजा है वो सी डी के बराबर है। और ऐसे ही अगर हम बात करें ए बी ई की, ए बी ई, इसमें जो ए ई है, ए ई भुजा, वो किसके बराबर होगी, इसमें ए सी डी के, ए सी डी के, वो AD के बराबर होगी, AE भुजा AD के बराबर होगी। यानी इसका मतलब हम इसमें अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो यहां पर ट्रिपल एस लग जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी यानी क्राइटेरियन। और अगर ये कॉन्ग्रुएंस है, ध्यान से सुनना, अगर ये कॉन्ग्रुएंस है, क्राइटेरियन पर खरा उतर रहे हैं, तो जो ADE होगा, देखे ध्यान से, ADE यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिखा हुआ है ADE, और वो समरूप होगा, ठीक है ना। तो ADE मैं लिख दूंगा इस तरीके से, ADE सिमिलर है, अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो सिमिलर होगा, अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो ये सिमिलर होगा, ADE ABC के, ABC के कॉन्ग्रुएंस मतलब सिमिलर होगा, त्रिभुज ABC के, ABC के कैसा होगा, समरूप होगा, कैसा होगा, समरूप होगा, ठीक है ना। तो हमेशा समरूप कह सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं सिमिलर लिख देंगे हम इसके लिए, ये हमारे लिए ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा जो है वो सिमिलर है, ठीक है ना, समरूप है। तो इस तरीके से यहां पर हम कह सकते हैं ये समरूप है, और हमारा यहां पर ये प्रूफ हो चुका है। अगर कोई भी फिगर मैंने आपके लिए बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, देख लेना हमारे प्लेलिस्ट में, उसमें अगर हम बात करें कोई भी फिगर अगर कॉन्ग्रुएंस है, अगर कॉन्ग्रुएंस है यानी सर्वांगसम है, अगर कोई भी फिगर सर्वांगसम है तो इसका मतलब वो जरूर है समरूप जरूर होगा, है ना, समरूप जरूर होगा। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो है दोनों त्रिभुज आप देख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज और दूसरा वाला त्रिभुज है एबीसी, ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, चाहे तो आप अलग बना के देख लो, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा और एक त्रिभुज बड़ा बनेगा, है ना। तो ये कैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, इनकी माप एक जैसी घट रही है या बढ़ रही है, तो इसलिए हम इसे समरूप कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा यह प्रश्न पूरा हुआ, और हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, और जो कि अगला प्रश्न है यहाँ पर चित्र 6.43 से, और उसमें दो पार्ट हमें प्रूफ करने होंगे, तो 6.43 का जो है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 6 से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपके लिए प्रश्न बताएंगे, छठा प्रश्न है, और छठा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है लिखा है, चित्र 6.43 में जो चित्र दिया गया है वो मैं चित्र बना देता हूं, चित्र पहले बना देता हूं तुम्हारे लिए, देखो पहले चित्र देख लो भाई साहब, फिर हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, इसमें कुछ चीजें बताएंगे। तो यहां पर आपके लिए बना हुआ है इस तरीके से, और एक ये राइट एंगल है, M है बिंदु, राइट एंगल 90 डिग्री का कोण है, और ये B है और ये A है, ठीक है ना। ये त्रिभुज हमने बना दिया, और यहां पर सभी के लिए नाम दे दिया है, और इसमें अब ये बताना है कि यहां पर बोल रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज हैं, एक है ABC और एक है आपके लिए AMP, ये दो त्रिभुज हैं वो समकोण त्रिभुज हैं, कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं, यहां पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें एंगल बी तथा एंगल एम समकोण हैं, यानी 90 डिग्री हैं, समकोण आप लिख सकते हो, यानी एंगल बी बराबर में एंगल एम बराबर में 90 डिग्री, ये समकोण दो त्रिभुज है। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि यहां पर आप प्रूफ करिए या सिद्ध करिए पहला पार्ट, कि जो एबीसी होगा वो सिमिलर होगा एएमपी के, ठीक है ना, एबीसी जो होगा त्रिभुज वो एएमपी का सिमिलर होगा, यानी समान रूप होगा। यहां पर देख सकते हैं एबीसी ये वाला राइट एंगल है, और दूसरा हमारे पास एएमपी यानी एएम और P, ये भी है, ठीक है ना। तो हम इनमें क्राइटेरियन लगाएंगे, पहले इन्हें कंग्रुएंस प्रूफ करेंगे, फिर हम इन्हें सिमिलर बता देंगे। तो लिखेंगे हम यहां पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP से, है ना, यहां का एंगल जो M है और यहां का जो एंगल दूसरे का यहां पर है जो B है, वो आपके लिए कैसा है, यहां पर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री का कोण है तो यहां की जो साइड है
बीसी और बराबर में होगी यहाँ का जो अल्टीट्यूड है एमपी, बीसी एमपी के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ पर वाई आर एच एस, आर एच एस मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी हम जिसे कहते हैं समकोण, यहाँ पर राइट एंगल है यानी कोण है ना, समकोण यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं समकोण और कर्ण, और ये हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण और ये साइड माने भुजा। तो ऐसा हमारे पास बन गया, राइट एंगल वाला हिसाब बन गया है ना, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज की क्राइटेरियन लग गई है यहाँ पर, कसौटी लग गई है, आर एच एस इसको कसौटी कहते हैं, और इस आधार पर ये जो त्रिभुज होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा यानी सर्वागसम होगा, हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंस होगा किसके लिए, एएमपी के लिए है ना, एएमपी के लिए ये कॉन्ग्रुएंस होगा और ये हम कह सकते हैं सर्वांगसम है। तो अगर ये सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है, तो हम ये बात कह सकते हैं अगर कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो जरूरी होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं वह जरूरी है क्या होगा, वह जरूरी है समरूप होगा, क्या होगा समरूप होगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर होगा त्रिभुज एएमपी के, तो इस बात को हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया आपके लिए कि ये त्रिभुज जो है कहीं ना कहीं क्या होगा सिमिलर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट हमारे पास है ये प्रूफ करना है आपके लिए सी ए अपॉन पी ए बराबर में होगा बी सी अपॉन एमपी, ये भुजाओं का अनुपात है और भुजाओं का अनुपात यहाँ पर सी ए, देखो सी से लेकर ए तक की दूरी और पी ए यानी पी से लेकर ए तक की दूरी, ये वाला ये जो है ना ये अनुपात जो है कहीं ना कहीं वो एक जैसा होगा इस बात को, और बी सी का अनुपात देखो बी से लेकर सी तक की दूरी और एम से लेकर पी तक की दूरी के जो है समान होगा। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये बात हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये सर्वांगसम होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है ना, ए एम पी के, तो यहां पर यह सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम, और अगर यह सर्वांगसम है, यह मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया था, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइडें बराबर होंगी या इनकी इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, ठीक है सर्वांगसम में। तो हम लिख सकते हैं यहां पर त्रिभुज यानी चित्र से क्या लिख सकते हैं, जो सी ए की डिस्टेंस होगी, सी ए की डिस्टेंस यहाँ से लेकर देखिए धन से सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस जो है वो इसके बराबर होगी ए पी के, यानी इसका रेशियो पी ए का रेशियो बराबर होगा बी सी अपॉन एम पी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो बी सी है वो लंब है और इसका इसका जो लंब है वो एम पी है, तो इसी तरीके से ये है यहाँ पर लंब, ठीक है ये भी लंब है दूसरे त्रिभुज का, तो इस तरीके से, और ये है कर्ण तो ये भी कर्ण है ना, इनका अनुपात एक जैसा है बराबर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इनका अनुपात बराबर होगा, यानी सी ए अपॉन पी ए बराबर में होगा बी सी अपॉन में एम पी, ठीक है ना, बी सी अपॉन में एम पी, ये प्रूफ हो गया, इस आधार पर प्रूफ होगा क्योंकि इनका अनुपात भी बराबर होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस है सर्वांगसम, जब कोई भी फिगर सर्वांगसम होता है तो वो समरूप जरूर होता है, और समरूप होता है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रूफ हो गया।